किसान साथी, मैं वीरेंद्र सिंह कछवा फार्मा द जर्नलिस्ट में आप सभी किसान साथियों को दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप बता दें कि आज हम आम के बगानों में हैं और आम के बगानों में इस समय जो देखने को मिल रहा है वो आम के जो फ्लावरिंग स्टेज आ चुकी है। वहीं बता दें कि फ्लावरिंग स्टेज में इस समय किसान साथियों को ध्यान में रखना होगा कि इस समय जो फूल आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे फलों लगने में समस्याएँ आती हैं और फल लगने में काफ़ी कठिनाई आती हैं। इसके लिए हमारे फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए उनमें जो हार्मोन्स हैं उनका छिड़काव से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए, जिससे कि फ्लावरिंग के जो स्टेज है वो सुगमता पूर्वक अच्छा हो सके और साथ में जो फ्लावरिंग है वो अच्छी फल दे सके। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान साथियों को इंडोल एस्टिक एसिड है, इंडोल बेंजोइक एसिड है, नेफ्थलिक एस्टिक एसिड है और साथ में आपको जिब्रेलिक एसिड का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आती है और फ्रूट की सेटिंग भी अच्छी मात्रा में होती है और इससे फल ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। हमारे किसान साथी इसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारे जो आम का इस समय जो समय चल रहा है, आम में जो फ्लावरिंग आ रही है उस फ्लावरिंग में कभी कभी कीट इंसेक्ट बहुत परेशान करता है और कीटों की वजह से हमारे फ्लावर्स जो हैं ख़त्म हो सकते हैं, उन पर भी हमको विशेष ध्यान रखना होगा और दिन प्रतिदिन उसमें देख रेख जरूर करनी होगी। जैसा कि आप सभी किसान साथी देख सकते हैं कि ये आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष में इस समय फूल तेजी मात्रा में आ रहे हैं। इसको हिंदी में हमारे कुछ लोकल लैंग्वेज में गौर भी बोलते हैं, जो कि इस गौर की जो बात है कि इसके जो फूल हैं एक गुच्छे नुमा होते हैं, इसलिए इसको गौर का रूपांतरण किया गया है। और आपको बता दें कि यह लगातार हमारे यहाँ तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल आ चुके हैं। इस समय इन पौधों में जो चींटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और फूलों को काटना शुरू कर देती हैं, साथ में कुछ ऐसे इसमें इंसेक्ट भी लग जाते हैं जो इसके हानिकारक होते हैं और वो हानिकारक कीट इनको परेशान कर करके इनको झरा देते हैं। अब हमारे किसान साथियों को ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे किसान साथी इसमें जो आम है, आम के जो फूल हैं इनमें हार्मोन्स का छिड़काव करें। हार्मोन्स का छिड़काव करने से जो फ्लावर ड्रॉपिंग है वो थोड़ा कंट्रोल होगा, साथ में इसकी जो फ्रूट सेटिंग है वो बहुत अच्छी होगी और उसकी फ्रूटिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। जब फ्रूटिंग अच्छी होगी तो उसकी उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के साथ साथ में आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। वहीं बता दें कि किसान साथी इस पर विशेष ध्यान रखें कि इस समय जो हमारे किसान साथी हैं वो फ्लावरिंग के समय इन पर हार्मोन्स का छिड़काव जरूर करें। अगर जिब्रेलिक एसिड है, नेफ्थलिक एसिड है, इंडोल एस्टिक एसिड है, इंडोल बेंजोइक एसिड है, इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इनका छिड़काव करें, जिससे कि हमारे जो किसान साथी हैं उनको फल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिले। और साथ में अगर किसान साथियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो अपने नज़दीकी किसान भवन में या कृषि जो विभाग है वहाँ पर जाकर के संपर्क करें और उद्यान विभाग में जाकर के संपर्क करें। इन तमाम चीज़ों के जो निराकरण है वो समय समय पर हमारे जो कृषि अधिकारी हैं वो आपको बताएंगे और उसका उपयोग भी कराएंगे। वहीं बता दें कि लगातार जिस प्रकार से फ्रूटिंग आ रही है, फ्लावरिंग आ रही है स्टेज में, और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान साथी हमारे विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के समय हार्मोन छिड़काव करें।